दोस्तों, आज की वीडियो में आप जीके, जीएस और करंट अफेयर्स तीनों के प्रश्नों को देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने जनरल नॉलेज, साइंस और करंट अफेयर्स तीनों के सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लिया है। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं बार बार, या इन्हीं के आधार पर नए क्वेश्चंस मीन्स एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्रिएट किए गए हैं। इसलिए ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको आराम से दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इनके आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं डेली अपलोड करता हूँ। दोस्तों, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो को हम सबसे पहले साइंस के प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले हम साइंस के प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद जीके के क्वेश्चंस को देखेंगे, स्टेटिक जीके क्वेश्चन देखेंगे, और लास्ट में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम साइंस के प्रश्नों को देख लेते हैं। आज का जो पहला प्रश्न मैंने लिया है, रेटिना पर प्रतिबिंब किस कारण बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीट हो चुका है कई बार। आपके ऑप्शन है अपवर्तन, परावर्तन, प्रकाश या लेंस के कारण। रेटिना पर प्रतिबिंब किस कारण से बनता है, आपको उस कारण का नाम बताना है। जी हाँ दोस्तों, रेटिना पर प्रतिबिंब किसके कारण से बनता है? अपवर्तन के कारण बनता है। आज का अगला प्रश्न, नेत्र का कौन सा भाग रंग निर्धारण करता है? कहने का मतलब ये है कि हमको चीजें रंगीन जो दिखाई पड़ती हैं, ठीक है, नीला, काला, पीला, हरा, जो चीजें हमको दिखाई पड़ती हैं, नेत्र का वो कौन सा भाग है जो रंगों का निर्धारण करता है? आपके ऑप्शन हैं आयरिस, रेटिना, पुतली या नेत्र गोलक। बता दूं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है आयरिश। आयरिश जो है नेत्र में रंगों का निर्धारण करता है। आयरिस को हिंदी में परितारिका भी कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में आयरिश बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? परितारिका बोलते हैं। आज का अगला प्रश्न, ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल पे जरूर ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके जो भी एग्जाम में आ रहे हैं वो लिमिटेड पॉइंट है, मींस लाइट से आएंगे, या तो लेंस से या तो दर्पण से, ठीक है, फोकस दूरी निकालने के लिए, या वस्तु की दूरी निकालने के लिए, या तो लेंस की क्षमता निकालने के लिए आ जाएगा, ठीक है, या तो फिर अगर लाइट विद्युत में आ जाए जो है, तो वहां पर भी इक्वल टू आई आर है, ठीक है, एच इक्वल टू आई आई स्क्वायर आर टी है, ठीक है। तो इन फार्मूलों का इस्तेमाल करके हमें क्वेश्चन को हल करना है, या प्रतिरोध निकालने के लिए आ जाएगा। तो ज्यादा नहीं, 5-6 टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, उनको आप देख लीजिए। यहाँ पे जो न्यूमेरिकल मैंने लिया है ये भी रिपीटेड न्यूमेरिकल है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता बताइए। अब देखिए, अभी यहाँ 20 सेंटीमीटर दिया है, हो सकता कहीं 10 सेंटीमीटर, कहीं 25 सेंटीमीटर दे दे, डेटा चेंज कर देगा, लेकिन क्वेश्चन वही रहता, फोकस मतलब क्षमता ही निकालना है। अब आप जानते ही हैं क्या क्षमता का सूत्र क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है, 1/F, किसमें, मीटर में होता है, ठीक है। मतलब जो फोकस दूरी दिया होगा उसे हमें क्या करना होगा, मीटर में चेंज करना होता है। तो फोकस दूरी यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, जो 20 को अगर मीटर में चेंज करना है, तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो क्या करना होगा, इसे हमें 100 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो इसको जब आप डिवाइड करके लिखेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस तरह से आपका जो आंसर है 5 डायोप्टर, क्योंकि क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है, ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, 5 डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स के ऊपर क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। एड्स कैसे होता है, किसके कारण होता है, क्यों होता है, ठीक है। तो एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 1 दिसंबर, 5 दिसंबर, 10 दिसंबर, कभी नहीं। जी हाँ दोस्तों, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है।
विटामिन ई का रासायनिक सूत्र पूछा जा चुका है, क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक सूत्र C29H50O2 या C25H45O5 या C30H40O6 क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो है C29H50O2। ठीक है, यही इसका सही आंसर है, विटामिन का रासायनिक सूत्र। ध्यान रखिएगा, यश C29H50O2 विटामिन का रासायनिक सूत्र। आज का अगला प्रश्न, HIV निम्न में से किसके कारण नहीं होता है? HIV छूने के कारण, साथ खाना खाने के कारण, चुम्बन के कारण, उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, उपरोक्त सभी यहाँ जो भी रीजन दिए गए हैं इनमें से किसी के कारण भी HIV नहीं होता है। HIV आपको कब होता है? असुरक्षित यौन संबंध से। ठीक है, चलिए आज का अगला प्रश्न, असंतृप्त कार्बन में कितने बॉन्ड होते हैं? असंतृप्त और संतृप्त दो चीजें होती है ना, तो आपसे पूछा जा रहा है कि असंतृप्त कार्बन में कितने बॉन्ड होते हैं, 1, 2, 4 या कोई नहीं? तो बता दूं, असंतृप्त कार्बन में 2 बॉन्ड 2 और 3 दोनों होते हैं। यहाँ चूंकि 2 दिया इसलिए 2 लगाएंगे आप, मतलब C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, तो असंतृप्त कार्बन में 2 मतलब डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड होते हैं, और संतृप्त कार्बन की अगर बात करें तो उसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अगला प्रश्न, लेंस की फोकस दूरी निकालने का सूत्र क्या है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। 1/f = 1/v - 1/u, 1/f = 1/v + 1/u, 1/f = 1/v - 1/u - 1/v और 1/f = 1/u + 1/v। क्या होगा? 1/f = 1/v - 1/u, 1/f = 1/v - 1/u। लेंस की फोकस दूरी निकालने का सूत्र है। दर्पण की अगर बात करें तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? ये होता है। ठीक है, 1/f = 1/v + 1/u। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हैलोजन ग्रुप में कौन सा तत्व धात्विक गुण प्रदर्शित करता है? जी हाँ दोस्तों, एक ही एलिमेंट है जो कुछ सम मेटालिक के करेक्टर शो करता है, सब नहीं। ठीक है, तो उस तत्व का नाम बताना है आपको। आपके ऑप्शन है आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, आयोडीन। आयोडीन हैलोजन ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट है जो थोड़ी सी मात्रा में मेटालिक करेक्टर शो करता है, धात्विक गुण प्रदर्शित करता है। आज का अगला प्रश्न, रजोनिवृत्ति क्या है? मासिक धर्म का बंद होना, मासिक धर्म का अनियमित होना, माहवारी का चालू होना या कोई नहीं? जी हाँ दोस्तों, मासिक धर्म का बंद होना क्या कहलाता है? रजोनिवृत्ति कहलाता है। आज का अगला प्रश्न, विशु त्योहार का संबंध किससे है? विशु त्योहार, ठीक है, नववर्ष से, फसल से, जन्म से या नाग देवता से? जी हाँ दोस्तों, विशु त्योहार का संबंध नववर्ष से है। ये अप्रैल में मनाया जाता है, और कहाँ मनाया जाता है? ये केरल का त्योहार है ये। ठीक है, ये भी जान लीजिए आप। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट में कि केरल मनाया जाता है, नववर्ष का त्योहार है ये। ठीक है, वहाँ के कैलेंडर के अनुसार जो है ये नववर्ष का त्योहार है, और ये कब मनाते हैं? अप्रैल में मनाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, अनहैप्पी इंडिया किसकी रचना है? अनहैप्पी इंडिया नाम की पुस्तक है, किसने लिखी है? लाला लाजपत राय ने, सरदार पटेल ने, महात्मा गांधी ने या सरोजिनी नायडू ने? जी हाँ दोस्तों, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की रचना है। ठीक है, आज का अगला प्रश्न, रूफटॉप योजना का संबंध किससे है? रूफटॉप, रूफ मतलब छत, टॉप मतलब ऊपर, क्या हो सकता है? सौर ऊर्जा, जल संचयन, वायु या रज्जू मार्ग? जी हाँ दोस्तों, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, सोलर पावर प्लांट। रूफटॉप योजना का संबंध किससे है? सौर ऊर्जा से है। आज का अगला प्रश्न,
टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया, कैलाश श्रृंखला, सलीम अली, अब्दुल कलाम, किसी को नहीं। जी हाँ दोस्तों, कैलाश श्रृंखला। कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर बात करें हम सलीम अली की तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, और अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आज का अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, 10 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1947 को या 15 दिसंबर 1947 को? जी हाँ दोस्तों, 9 दिसंबर 9 12 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसी पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना कब गए? धर्म के ऊपर क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं। आपके ऑप्शन है 622 ईस्वी, 625, 620 या कभी नहीं। 622 ईस्वी मोहम्मद साहब मक्का से मदीना 622 ईस्वी में गए थे। 622 ईस्वी से ही मुस्लिम कैलेंडर चालू होता है और मक्का से मदीना जाने की जो यात्रा है इसको हज भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, नीलगिरी, अनाईमलाई या धौलागिरी? जी हाँ दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। कहाँ है ये? केरला में है। कहाँ पे है? केरला में है, ठीक है। आज का अगला प्रश्न, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आसान क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या जवाहरलाल नेहरू? भीमराव अंबेडकर। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। वहीं पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें जो है तो ये संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें जो है तो ये संविधान सभा के क्या थे? अस्थाई अध्यक्ष थे। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन आपको बताया है कि 9 तारीख को पहली बैठक हुई थी, दो दिन बाद ठीक 11 तारीख को जो है दूसरी बैठक हुई है, जो है उस दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न, वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है। राजेंद्र सिंह, सलीम अली, के सीवन, कोई नहीं। राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में इनका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, इनकी वजह से वहां जगह जगह हरियाली कायम हो गई है, ठीक है। तो राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनके प्रयासों से जगह जगह तालाब खोदे गए जिनमें आज पानी भरा हुआ है। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1926 में, 27 में, नहीं 1928 में, 27 में, 26 में या 25 में? जी हाँ दोस्तों, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, ठीक है। कब आया? 1928 में भारत आया। आज का अगला प्रश्न, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सौर ऊर्जा के लिए कितना बजट आवंटित किया, ठीक है। चलिए यहां से अब हम करंट अफेयर्स क्वेश्चन को देखते हैं। अभी तक आप जो है स्टैटिक जी के क्वेश्चन देख रहे थे, यहां से अब हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सौर ऊर्जा के लिए कितना बजट आवंटित किया है? 19,500 करोड़, 20,900 करोड़, 15,200 करोड़ या 50,000 करोड़? जी हाँ दोस्तों, 19,500 करोड़ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सौर ऊर्जा के लिए 19,500 करोड़ का बजट आवंटित किया है। 17वीं लोकसभा का गठन कब हुआ? 2019 में, 2020 में, 2018 में या 2017 में? 2019 में हुआ। 17वीं लोकसभा का गठन कब हुआ? 2019 में हुआ, जो भी वर्तमान में कायम है, चल रही है। प्रधानमंत्री कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। आज का अगला प्रश्न, फुटबॉलर मनीषा कल्याण ने 2021 में किस देश के खिलाफ पहला गोल दागा था?
ठीक है, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया या अजरबैजान। जी हाँ दोस्तों, ब्राजील। फुटबॉलर मनीषा कल्याण ने 2021 में ब्राजील के खिलाफ पहला गोल दागा था। अगला प्रश्न, फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? फीफा वर्ल्ड कप 2026 की बात हो रही है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन। कनाडा, ठीक है, कनाडा, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 आयोजित होगा। आज का अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्क्वैश में, ध्यान रखिएगा स्क्वैश के बारे में पूछा जा रहा है, स्क्वैश में भारत को कौन सा पदक प्राप्त हुआ? स्वर्ण, रजत, कांस्य, कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, कांस्य पदक। कौन सा पदक प्राप्त हुआ स्क्वैश में? कांस्य पदक प्राप्त हुआ। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पदक के मामले में भारत कौन से पायदान पर रहा, कौन से स्थान पर रहा? चौथे स्थान पे, पहले पे, पांचवे पे या दूसरे पे? जी हाँ दोस्तों, चौथे स्थान पर। टोटल 61 पदक लेकर के भारत चौथे स्थान पर रहा। आज का अगला प्रश्न, किस पुरुष फुटबॉलर ने 2021 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त किया? बहुत बहुत मूल क्वेश्चन है, सुनील छेत्री, पंकज आडवाणी, पंकज पाल, कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, सुनील छेत्री। सुनील छेत्री को 2021 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। ये क्या है, एक फुटबॉलर है। आज का अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पीवी सिंधु ने किसे हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया? मिशेल ली, भूषासन ओ, पाल मुलर, कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, मिशेल ली जो कि कनाडा के खिलाड़ी हैं, उनको पीवी सिंधु ने हरा करके क्या प्राप्त किया? स्वर्ण पदक, ठीक है, प्राप्त किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 किसने जीता? राफेल नडाल ने, डीम दवे देव ने, भूषासन ओ ने या कोई नहीं? राफेल नडाल ने 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। किसको हरा करके? ये डीम दवे देव को हरा करके राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जीता। आज का अगला प्रश्न, वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 किस शहर को चुना गया? वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैक्सिको को, सिडनी को, कनाडा को या कोपेनहेगन को? जी हाँ दोस्तों, मैक्सिको को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 के शहर के रूप में चुना गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये मस्जिद अक्सर चर्चा में रहती है। काहिरा में है, तेहरान में है, यरूशलम में है, दुबई में है? कहाँ है? यरूशलम में है। अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? यरूशलम में है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आपके जो भी सुझाव हों, शिकायतें हों, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जल्दी ही नए प्रश्नों के साथ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ मैं हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।